Hello everyone, this is our second lecture of chapter 3, Nationalism in India. Let's start. Yesterday we have discussed why non-cooperation movement. वहाँ हमने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी ने अपनी बुक में एक्सप्रेस किया हिंद स्वराज में कि अगर हम उन्हें कॉपरेट नहीं करेंगे तो एक साल के अंदर ही ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि अपने टाइटल्स जो थे वो सरेंडर कर दिए थे, बायकॉट कर दिया था, सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, स्कूल्स को, असेंबलीज, सेक्टर। और इसके बाद 1921 में हमने ये बात की थी कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को बिगन किया गया था। सो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डिफरेंसिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1920। एज यू नो कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ जनवरी 1921 में। वेरियस ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया तो उनकी क्या थी, वेरियस ही एस्पिरेशंस थी, सभी की अपनी अपनी आशाएं थी इस मूवमेंट को लेकर। नाउ स्टार्ट विद द मूवमेंट इन द टाउन। मूवमेंट इन द टाउन के अंदर क्या डिस्कस किया गया है यहाँ पर कि जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो किसके साथ स्टार्ट हुआ था, विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। थाउजेंड इट मीन्स स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स गेव अप देयर जॉब्स। इन लोगों ने क्या किया था, अपनी जॉब्स छोड़ दी थी। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड। इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। तो जो ये इनका इफेक्ट था ये बहुत ही ड्रामे था। फॉरेन गुड्स वर बायकॉट। लोगों ने जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उनको बायकॉट किया। लिक्वर शॉप पिकेटेड। पिकेटेड क्या होता है कि उनके फ्रंट गेट को बंद कर दिया जाना। इवन फॉरेन क्लोज बर्नड इन अ ह्यूज बॉनफायर, कि उनको जला भी दिया गया था। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोज वर ड्रॉप्ड। जो इम्पोर्ट किया जा रहा था उसको ड्रॉप कर दिया गया। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स। पीपल बिगिन डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस लाइक खादी। लोगों ने क्या किया कि हम इन फॉरेन क्लोथ्स को नहीं यूज़ करेंगे और हम किसका यूज़ करेंगे, खादी का। लेकिन जो खादी क्लोथ्स होते हैं वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लोथ्स। सो जो ऑफ पुअर पीपल हैं दे आर अनेबल टू बाई खादी क्लोथ। सीम्स टू बी मोर एक्सपेंसिव। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रेजुअली द मूवमेंट स्लोड डाउन। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। सिंस देयर वॉज नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो अब क्या था, जो ज़्यादा देर तक इन जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे इतने। So students and teachers begin tickling back to the government school and lawyers joined back their work. So धीरे धीरे teachers ने, lawyers ने, सब ने अपने काम को दोबारा join करना start कर दिया। So अब आगे बढ़ते हैं कि rebellion in the countryside. Countryside यानी rural areas में कि ये कैसे रहा। From the cities the non-cooperation movement spread to the countryside. Leaders was Baba Ramchandra, a sannyasi who worked in a fizzy एड इंडेंचर लेबर। इंडेंचर लेबर्स कौन सी होती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। इसमें दो पर्सनस मेन थे, जो अवध के पीजेंट्स को लिए आगे आ रहे थे वो बाबा रामचंद्र थे और एक सन्यासी थे। द मोमेंट वॉज अगेंस्ट हाई रेट डिमांडेड बाई तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ये किन के अगेंस्ट था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। पीजेंट्स हैड टू परफॉर्म बैगर। तो पीजेंट्स को कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा था, बैगर मीन्स जैसे कि इनको बिल्कुल ना के बराबर उसके बदले में पेमेंट मिलती थी, वेरी लेस पेमेंट लाइक। एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ना ही कोई फिक्स टाइम था उनके काम करने का। पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बैगर एंड सोशल बायकॉट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स। सो वो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो रिवेन्यू है उसको कम किया जाए, जो बैगर सिस्टम चला रखा है यहाँ पर बेकार का वो भी ख़त्म किया जाए और सोशल बायकॉट्स की जाए लैंडलॉर्ड्स की। इन प्लेसेस कई जगहों पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया। बाई अक्टूबर ओध किसान सभा वो सेटअप। एक ओध किसान सभा को भी सेट किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू एंड रामचंद्र। वो किसकी लीडरशिप में आ रही थी, नेहरू और रामचंद्र की। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन दिस अवध मूवमेंट वॉज नीडेड टू बी इंटरप्टेड। एज मूवमेंट स्प्रेड हाउसेज ऑफ तालुकदार लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ट।
अब लोगों ने इनके घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया। बाजार लूटेड, बाजारों को लूटा गया। एंड ग्रेन्स होर्डेड वर टेकन ओवर, जो उतने भी ग्रेन्स को होर्ड किया गया था वो भी उनसे छीन ली गई। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजन दैट गांधी जी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस। कई जगहों पर किसानों ने क्या कहा कि गांधी जी कह रहे हैं कि हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एंड लैंड टू वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो लैंड है वो हमारे बीच में गरीबों के बीच दोबारा से बांट दी जाएगी। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीन इन्वॉक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। लोग महात्मा गांधी को बहुत ही सर से देख रहे थे कि ये सारे हमारी आशाओं को पूरा करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। इन कोडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। यहाँ पर कौन सा मूवमेंट स्प्रेड हुआ? गोरिल्ला मूवमेंट के नाम से। सिंस कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज लार्ज फॉरेस्ट प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट। क्या हो रहा था? यहाँ पर लोगों को फॉरेस्ट में आने से रोका जा रहा था। एंड कलेक्ट किसके लिए? ताकि वो फ्यूल वुड जो है वो कलेक्ट ना करें। द एंकर्ड ट्राइबल पीपल हुज लिवलीहुड गॉट अफेक्टेड, जो वहाँ के लोग थे जो इंगेज थे इन एक्टिविटीज़ में, उनका जो लाइफ लिवलीहुड था, कमाई का साधन था, वो सब क्या हो रहा था? अफेक्ट हो रहा था। देयर लीडर वॉज, उनका लीडर था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू क्या था कि वो क्या क्लेम करता था कि वो क्या है? ये एड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। वो कहता था मेरे पास भगवान की दी हुई कुछ स्पेशल पावर है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता था, हील कर सकता था पीपल्स को, कोई दुख तकलीफ है तो उसे दूर कर सकता था। ही एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शूट। वो कहता था कि अगर मुझे कोई गोली से भी मारेगा तो मैं नहीं मरूंगा, मैं उसे भी सर्वाइव कर सकता हूँ। रेबल्स क्लेम्ड हिम एज अ इनकेशन ऑफ गॉड। पीपल्स कैसे समझते थे उसे? कि एक भगवान का भेजा हुआ दूत है या बंदा है। राजू वॉज इंस्पायर्ड, वो किससे इंस्पायर्ड था? महात्मा गांधी से। एंड परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी, वो लोगों को सबसे ज़्यादा किसके लिए परसुएड कर रहा था? कि आप लोग खादी पहनिए और ड्रिंक करना बंद कर दीजिए, एंड गिव अप ड्रिंकिंग। द इंडियंस रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर। लोग क्या हो रहे थे? वॉयलेंट हो रहे थे। राजू वॉज कैप्चर्ड, राजू को लास्ट में पकड़ लिया गया एंड एज एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो, और ये इनका हीरो बन के रहा, उसको मार दिया गया था। स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी इट मीन्स मूवमेंट इन असम। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर बाउंड इन द फार्म फॉर द ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। लोगों को वहाँ पर कैसे कर रहा था? एज अ बाउंडेड लेबर की तरह काम करवाया जा रहा था। अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो लोग हैं वो बिना परमिशन के कहीं भी बाहर आ जा नहीं सकते थे। वेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द रूल। तो जब लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत से लोगों ने इस रूल को तोड़ने के बारे में सोचा। बट दे गॉट स्टैंडर्ड ऑन द वे ड्यू टू रेलवे स्ट्राइक। तो वो किस वजह से फंस गए? लेकिन रेलवे स्ट्राइक चल रही थी उस टाइम तक। देन दे वर कॉट अप एंड द पुलिस एंड रेड हैंडेड एंड ब्रूटली बीटन। तो उनको फिर भी किसने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक टूवर्ड्स सिविल डिसऑबिडेंस। और एक हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक होता है कि जो विड्रॉल किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एचूरा चूरी 22 पुलिसमैन वर बर्नड अलाइव। वहाँ पर लोगों ने कितने लोगों को मार दिया था? 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम नॉन कॉपरेशन। तो महात्मा गांधी ने क्या डिसाइड किया कि वो विदड्रॉ करेंगे अपने मूवमेंट को, क्योंकि गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका जो भी मूवमेंट रहे वो कभी भी वायलेंट होना चाहिए। ही फेल्ट सत्याग्रह नीडेड टू बी ट्रेन बिफोर एनी मास स्ट्रगल। तो उनको लग रहा था कि वो लोगों को पहले ट्रेन करेंगे तभी ऐसा कोई मास स्ट्रगल वो करवाएंगे। विद इन द कांग्रेस ऑल्सो सम लीडर्स वर ट्राइड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोविंसियल इलेक्शन। और कांग्रेस किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे? इलेक्शन की तरफ। दे बिलीव्ड इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू पोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल।
वो क्या कर रहे थे कि वो किसके को कर रही है कि उसको पोस्ट तो करे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ध्यान उनका इलेक्शंस की तरफ था, उनका ध्यान कभी भी इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं था। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी, इन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी फॉर्म की। बट यंग लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिलीव्ड इन मोर रेडिकल मूवमेंट्स इन कम्प्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये लोग किसकी तरफ ध्यान दे रहे थे कि सबसे ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी भी तरह से हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिसीज, उन्होंने सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमें फेस करने पड़े, और दूसरा पीजेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रिवेन्यू, लोग जो थे वो रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर किसका अराइवल हुआ, साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आया क्यों था इंडिया में, साइमन कमीशन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसको हेड सर जॉन साइमन को बनाया गया था। द कमीशन वॉज टू टुक लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, वो इंडिया में क्यों आया था, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए और उससे जस्ट चेंजेस की जो जो चेंजेस होनी चाहिए वो हमें बताने के लिए। बट द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बट डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, इंडियंस ने उनको क्यों सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर हमारा कोई भी इंडियन पर्सन नहीं था। अराइव्ड इन इंडिया, जैसे ही वो इंडिया पहुँचे इन 1928 वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन, लोगों ने उन्हें कैसे ग्रीट किया, गो बैक साइमन, कि आप लोग वापस जाइए। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन गेव एन ऑफर टू डोमिनेशन स्टेटस टू इंडिया एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर डिसीजन, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ऑफर की इंडिया को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कि यहाँ पर हम बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इन दिसंबर 1929 अंडर प्रेजिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें क्या डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की। दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन रहेगा वो हम कैसे मनाएंगे, एज इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वॉइस रॉय इरविन विद 11 डिमांड्स, यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड्स रखते हुए वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस के लिए, वो कुछ इंडस्ट्रीज को लेकर भी थी, कुछ पीजेंट्स को लेकर भी थी। द आइडियाज वॉज टू मेक डिमांड, वो डिमांड क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वॉज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसमें की गई थी कि सॉल्ट टैक्स, जो नमक के ऊपर हम कानून के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। टैक्स ऑन सॉल्ट वॉज मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये सबसे गलत बात थी ब्रिटिश रूल की। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट एंड महात्मा गांधी स्टार्टेड डांडी मार्च, जब वो अनविलिंग थे हमारी बात को मानने के लिए तो महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट की, डांडी मार्च स्टार्ट की। ही स्टार्टेड सॉल्ट मार्च विद द 78 फॉलोअर्स, गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। 240 माइल्स का था रास्ता, वॉक फॉर 24 डेज, द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 डे अबाउट 10 माइल्स अ डे, वो एक दिन में लगभग इतना चलते थे। स्टार्टेड विद द साबरमती आश्रम टू गुजरात कोस्ट ऑफ डांडी, उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की, साबरमती आश्रम से, और उन्हें कहाँ जाना था, डांडी तक की ये यात्रा थी। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट बाय वॉयलेटिंग ब्रिटिश लॉ, उन्होंने ब्रिटिशर्स का ये कानून तोड़ा, वाटर को बॉयल करके वहाँ पर नमक बनाया था। पीपल्स स्टार्टेड बायकॉटिंग ब्रिटिश गोंड एंड वॉयलेटेड अदर लॉज, पीपल्स ने भी इसी तरह से क्या किया कि वहाँ पर कानून तोड़ना स्टार्ट किया और वॉयलेट करते हुए जिसको बायकॉट किया हमें। ब्रिटिश टुक रिप्रेसिव एक्शन बाय अरेस्टिंग टॉप लीडर, तो ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया कि उन्होंने जो हमारे टॉप लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया।
चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम गांधी इरविन पैक्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट।